सोशल मीडिया पर वीगन डाइट की खूब चर्चा होती है, वेट कंट्रोल करने में इसको बहुत कारगर बताया जाता है। यकीनन इसके तमाम फायदे भी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वीगन फूड फॉलो करने वाली एक फूड इन्फ्लुएंसर की मौत हो गई और मौत की उनकी खबर ने वीगन डाइट पर तमाम सवाल उठा दिए हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे किसी भी डाइट को बगैर सोचे समझे फॉलो करना ठीक है भी या नहीं। समस्या वीगन डाइट से नहीं है, मगर बगैर फायदा नुकसान जाने बिना, एक्सपर्ट की सलाह लिए बिना किसी डाइट को फॉलो करना जान जोखिम में डाल सकता है। साथ ही ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हर किसी की बॉडी अलग होती है, उम्र, स्थान और जेंडर के मुताबिक उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं। इसलिए किसी भी तरह की डाइट अपनाने और छोड़ने से पहले एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। मामला खान पान का है तो जाहिर तौर पर ये एक गंभीर विषय है, तो इस पर आज हम करेंगे एक्सपर्ट चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं इस प्रोग्राम में, हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, सीनियर फिजिशियन हैं। कृतिका कपूर हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो डायरेक्टर हैं SK27 जिम की। और डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज जुड़ रहे हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो बहुत स्वागत करेंगे डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर कृतिका और डॉक्टर प्रत्यक्ष। सबसे पहले आपके पास आएंगे डॉक्टर स्वाति, ये जो वीगन डाइट का चलन हमने देखा पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, कितना आपकी नज़र से ये वीगन डाइट को आप कैसे देख रही हैं? देखिए दीपक जी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाना, डाइट में फाइबर्स बिल्कुल ख़त्म होने लग गए, लोग जो है प्रोसेस फूड वगैरह ज़्यादा खाने लग गए और ओबेसिटी जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर के सामने आने लग गई। वहीं कोलेस्ट्रॉल की बात करें, हार्ट अटैक्स की बात करें, तो ये सब समस्याएँ जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई तब ये रियलाइज़ हुआ कि हम अपने डाइट में से जो शाकाहारी भोजन है, जो कि ख़ास तौर से हमारी सब्जियाँ हैं, हमारे फल हैं, उनका हम ज़्यादा अच्छी मात्रा में सेवन नहीं कर रहे हैं। और अगर हम उन चीज़ों का सेवन करें तो वो हमें फ़ायदा करेगा, वो हमें जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उनसे बचाने में हमारी मदद करेगा और आने वाला जो हमारा वक्त होगा वो ज़्यादा सेहतपूर्ण होगा, इसकी बजाय कि हम ऐसी चीज़ों का चयन करें जिनसे कि हमारी सेहत बेहतर नहीं होती है। लेकिन हमें ये भी समझना, वही ये भी ज़रूरी है कि जब हम वीगन डाइट की बात करते हैं या हम ऐसा स्टेप उठाने की कोशिश करते हैं जहाँ हम बिल्कुल ही ये कहते हैं कि ये कुछ चीजें हैं जिनका हम सेवन बिल्कुल ही वर्जित कर देते हैं या हम इनको लेंगे ही नहीं, हम केवल इन्हीं चीजों पर अब रहेंगे, केवल फल सब्जियों या ऐसी चीजें जो कि प्लांट बेस्ड हैं उन्हीं को हम केवल सेवन करेंगे, तो हम दूसरी तरफ से एक और मुसीबत भी साथ में लेकर चल रहे हैं। यानी कि हम एक तरफ से एक चीज से बचने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हम स्टेप इतना एक्सट्रीम उठा रहे हैं कि हम दूसरी तरफ से और परेशानियों को न्योता दे रहे हैं। तो हम जैसे देखते ही हैं कि वीगन डाइट में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि B12 आपको अच्छी मात्रा में नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा, प्रोटीन अच्छा आपको नहीं मिलेगा, वही जिंक, मैग्नीशियम, कई सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उनकी डेफिशिएंसीज होने लगती हैं, तो इनकी वजह से हम कई और बीमारियों को जन्म शरीर में दे रहे हैं और उनसे हमें आने वाले वक्त में जूझना पड़ेगा। देखिए कई बार लोग कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो भी तो कच्चा खाना खाते थे या वो भी तो यही खाना खाते थे, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि समय के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य का इवोल्यूशन हुआ है हमारी जीन्स भी बदल गई हैं। आज की जीन्स जो हमारी थी है और जो हमारे पूर्वजों की जीन्स थी उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। और अगर आप हम इतिहास के पन्ने पलट करके देखें तो उसमें बहुत साफ तौर से देखिए एक स्टडी है वो बताती है कि जब हमारे पूर्वजों ने कुकिंग करनी शुरू करी यानी कि खाने को पका करके खाना शुरू करा तब हमारा जो ब्रेन है वो बहुत तेजी से डेवलप हुआ और वहीं से जो है हम जो एप्स की कैटेगरी थी वहां से स्विच होकर के धीरे धीरे ह्यूमंस की कैटेगरी में आने लगे। यानी कि जब हमने जो है पका करके खाना शुरू करा तब हमें जो है ज्यादा पौष्टिक खाना मिलना शुरू हुआ, हम ज्यादा मात्रा में खाना खा पाते थे, वो डाइजेस्ट अच्छा हो पाता था, इस वजह से धीरे धीरे हमारा जो मस्तिष्क है वो बहुत अच्छा और तेजी से बढ़ा। तो बहुत हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बिल्कुल हम कच्चा ही खाना खाएंगे, हम बिल्कुल प्लांट बेस्ड खाना खाएंगे, वो भी हमें बहुत नुकसान देता है। तो हमें जो एक बैलेंस कि हर व्यक्ति फर्क, सबकी जीन्स फर्क है, सबका जो लोग जहाँ रहते हैं वो जगह फर्क है, तो हमें उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने डाइट का चयन करना है, ये बहुत जरूरी बात होगी।